सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम लोग बनाएंगे शाही पनीर। उसके लिए करेंगे हम लोग कांदा चॉप। 4 से 5 कांदा लेंगे और इस तरीके से चॉप कर लेंगे, छोटा छोटा काट लेंगे। तरीके से छोटा छोटा जो काटेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और उसके बाद लेंगे 3 से 4 टमाटर, उसको भी इस तरीके से चॉप करके काट लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। शाही पनीर एक बेहतरीन डिश है और ज़्यादातर लोगों को पता है इस डिश के बारे में, लेकिन बनाने का नहीं पता। मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और अब हम लोग लेंगे 5 से 6 मिर्ची और उसको इस तरीके से चॉप कर लेंगे। और अब लेंगे हांडी, हांडी में डालेंगे हम लोग बटर और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए डालेंगे जिससे कि हमारा बटर काला ना पड़े। और अब डालेंगे हम लोग इसमें 1 चम्मच जीरा और इसमें कांदा चॉप डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको जब तक मिलाएंगे जब तक कि हमारा कांदा ब्राउन ना हो जाए, फ्राई ना हो जाए। स्लो आँच पे इसको, धीमी आँच पे इसको हम लोग फ्राई करेंगे। जब इस तरीके से ये फ्राई हो जाए अब हम लोग इसमें हल्का सा डालेंगे मिर्ची चॉप, जो हमने मिर्ची चॉप किया था 2 से 3 वो मिर्ची चॉप डालेंगे इसमें। और थोड़ा सा इसमें हम लोग ऐड करेंगे हल्दी और हल्दी डाल के इस तरीके से मिला देंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने टमाटर चॉप किया था। धीमी आँच पे इसको हम लोग मूंजते रहेंगे जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से भुन जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा टमाटर और कांदा नीचे ना लगे, इस तरीके से। और यह हम लोग डालेंगे इसमें थोड़ा सा योगर्ट, दही। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा और हल्दी ऐड करेंगे इसमें जिससे कि कलर आ जाए हमारा येलो। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच कस्तूरी मेथी पाउडर और इसको अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। थोड़ा पानी डाल के इसको मसालों को अच्छे से भूंज लेंगे जिससे कि मसाले का स्मेल चला जाए। धीमी आँच पे इसको पकाएंगे, धीमी आँच पे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, 2 से 3 मिनट। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रीम और इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया। अब इसको इस तरीके से ग्राइंडर में लेके हम लोग पीस लेंगे, एकदम फाइन करके पीसना, एकदम बारीक इस तरीके से इसको पीस लेंगे। और अब लेंगे हम लोग पनीर,
300 से 400 ग्राम और इस तरीके से काट लेंगे। और आप किसी भी तरीके से काट सकते हो, छोटा लंबा छोटा बड़ा जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैं इस तरीके से काट लेता हूँ इसको। अब इसमें हम लोग फिर से हांडी लेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे हम लोग। अब के ऑयल नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ बटर ही डालेंगे और इसमें पनीर डाल देंगे। तो इस तरीके से इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे पनीर को, धीमी आंच पे इसको रोस्ट कर लेंगे जिससे कि बटर भी नहीं जले हमारा और ये फ्राई भी हो जाए। और अब इसको एक साइड में निकाल लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जो हमने वो कांदा टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको इस तरीके से छन्नी में छान लेंगे, छन्नी से फाइन छन्नी से इस तरीके से उसको छान लेंगे हम लोग। और थोड़ा सा इसको अब हम लोग पकाएंगे 4 से 5 मिनट। इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको पकाते रहेंगे, जब ये खोल जाए इस तरीके से। तो थोड़ा सा और कस्तूरी मेथी डाल देंगे जिससे कि कस्तूरी मेथी का इसमें फ्लेवर आए। और इसमें थोड़ा सा काजू का पेस्ट ऐड करेंगे, काजू वो थोड़ा सा उबाल के उसको पेस्ट बना ले और उसमें ऐड कर दे इसको। थोड़ा मिर्ची चॉप, थोड़ा स्पाइसी के लिए थोड़ा मिर्ची चॉप डालेंगे। और इसमें रेड चिल्ली पाउडर नहीं डालेंगे, जिससे कि रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो रेड चिल्ली पाउडर ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच क्रीम, जिससे कि इसका कलर के एकदम खिल के आए येलो। और इसमें अब ऐड कर देंगे हम लोग पनीर, और पनीर डालने के बाद ज़्यादा इसको चलाएंगे नहीं और सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। और ये ग्रेवी तैयार है इस तरीके से। और इसमें एक दो नींबू ऐड कर देंगे जिससे कि इसमें थोड़ा सा खट्टा आ जाए, ना भी डाले तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें 2 से 3 नींबू डालूँगा। और ये तैयार है हमारा शाही पनीर। और इसको इस तरीके से हंडी में निकाल के हम लोग सर्व कर लेंगे। तैयार हो गया हमारा शाही पनीर। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़।